हेलो सो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपने पहले भी देख चुका है कि हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के दो कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है, दैट इज़ मीन्स हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब लेक्चर 1 और 2। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि यूट्यूब लेक्चर 3। यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे हेनरी फियोल्स की थियरीज पे, यानी कि हेनरी फियोल्स ने बेसिकली आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ ही साथ आप अपने OCM को कंप्लीट करते रहे। आइए हम स्टार्ट करते हैं हेनरी फियोल एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट। पहले मैं आपको बता दूं कि हेनरी फियोल बेसिकली ये है कौन, ठीक है। तो ये एक तरह के मैनेजमेंट थिंकर्स है, इनकी थियरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मैनेजमेंट में। आते हैं हेनरी फियोल के इंट्रोडक्शन पे। हेनरी फियोल बेसिकली फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी जो करियर थी उनको चेंज करके लीडिंग इंडस्ट्रीज में आगे और एक सक्सेसफुल मैनेजर बने। एंड बाद में उन्होंने माइनिंग इंजीनियर जो फ्रेंच कंपनी माइनिंग की थी, ठीक है, उसमें उन्होंने अच्छी खासी पोस्ट अर्न कर ली, यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, बिकॉज उनका जो मैनेजिंग पावर था वो सबसे आगे था और सबसे हटके था। तो उन्होंने धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके बेस पे उन्होंने 14 प्रिंसिपल इन्वेंट किया यानी कि इंट्रोड्यूस किया। और ये 14 प्रिंसिपल उन्होंने एक फेमस बुक में लिखा हुआ है, उस बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने इस बुक में आपको पूरे 14 प्रिंसिपल को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। देन उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर आपके अंदर मैनेजरियल कॉन्सेप्ट और डिसीजन जो उनका कंट्रीब्यूशन था रिलेटेड टू द मैनेजरियल प्रोसेस, उसको इस बेस पे हम हेनरी फियोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम, मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। हेनरी फियोल के 14 प्रिंसिपल उन्होंने मैनेजमेंट को सजेस्ट किए, जिसके बेस पे मैनेजमेंट बहुत तरीके से परफेक्ट प्रॉपर तरीके से फॉलोअप किया जाता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल मुकाम पहुंच जाती है। तो ये उनके थ्रू बनाई गई 14 प्रिंसिपल है। उन्होंने बहुत ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया हुआ, तो उसके बेस पे यानी कि 14 प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक तरह का गाइडलाइन है डिसीजन मेकिंग के लिए एंड मैनेजमेंट एक्शन के लिए। विदाउट 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये हम कंसिडर नहीं कर सकते कि हम मैनेजमेंट सही तरीके से रन कर सकते हैं, बिकॉज 14 प्रिंसिपल के अंदर उन्होंने हर एक पार्ट को कवर कर लिया है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, यही बताना था मुझे कि हेनरी फियोल बेसिकली ये है कौन, ठीक है, और उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया हुआ है मैनेजमेंट के लिए। तो ये मैनेजमेंट थिंकर्स है, उन्होंने 14 प्रिंसिपल इन्वेंट किया हुआ है और साथ ही साथ इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको आप बाहर रखिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर भी करें, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे आपका फीडबैक। आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है। आते हैं हम 14 प्रिंसिपल देख लेते हैं। 14 प्रिंसिपल बेसिकली है क्या? प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन, स्कैलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, एस्पिरिट दे क्रॉप्स, दैट इज टीम वर्क। ये फ्रेंच वर्ड है एस्पिरिट दे क्रॉप्स, इसको हम टीम वर्क बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। कभी भी हम इंडिविजुअली वर्क नहीं कर सकते, इसीलिए हमें टीम वर्क करना कंपलसरी होता है। जो टीम वर्क सही तरीके से करता है उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से रन होता है। तो बेसिक यही 14 प्रिंसिपल है, यही आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे फीडबैक दें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए।
आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 14 प्रिंसिपल में से पहले दो प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली आपको रीड पॉइंट देखते ही समझ गया कि डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है। डिवीजन ऑफ वर्क हम डिवाइड करते हैं एज पर देयर कैपेबिलिटी क्वालिटी एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसी डिपार्टमेंट के बेस पे हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी देखते हैं, एबिलिटी देखते हैं, और उसमें हम डिवाइड कर देते हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। आइए इसको रीड करके देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट काइंड्स सच एज अ टेक्निकल फाइनेंशियल कॉमर्शियल सिक्योरिटी ऑपरेशन अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। इट इज असाइन टू द एम्प्लॉई एज पर देयर क्वालिटी कैपेबिलिटी। इट हैज इम्प्रूविंग एफिशियंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉई विच अल्टीमेटली टर्न इंटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ गया। आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? ये दो कॉन्सेप्ट है। एक अथॉरिटी होता है, दैट इज में एक ऐसा पर्सन जिसके पास राइट होता है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज में जो पर्सन डिसीजन लेता है या राइट से लेता है और किसी अदर पर्सन को वो वर्क करने के लिए बोलता है, तो उस पर्सन पे क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही टाइम पे सही काम करके अपने सुपेरियर को दे। तो ये है सही तरीके से हम बोल सकते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही होता है अथॉरिटी, दैट इज मीन द पर्सन हु हैव द राइट टू टेक टू अंडरटेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, बट दे वॉन्ट टू डू विथ अदर पर्सन, यानी कि एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है उससे करने के लिए, उसे काम करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है। यानी कि जो सुपेरियर होता है वो मैनेजर को क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम देता है, और उसी टाइम के अंडर उसको क्या करना होता है कि उसको एक्टिविटी कंप्लीट करनी होती है, यानी कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से परफॉर्म करनी होती है। इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारी कंपनी होती है जो बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर लेती है। क्यों? बिकॉज 14 प्रिंसिपल इसका सबसे बड़ा रीज़न है। अगर जो भी एम्प्लॉई या जो भी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से वर्क करता है, प्रॉपर टाइम पर वर्क करता है, विदाउट कोई हर्डल विदाउट कोई प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम या हर्डल नहीं आती है, सबके अंदर आती है, लेकिन सबके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। राइट सॉल्यूशन ही क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को एकदम परफेक्ट बनाता है या उसके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। आते इसको रीड कर लेते। अथॉरिटी इज द राइट टू टेक द डिसीजन, इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग डन एप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेटर्स। Authority always come with the responsibility. If the manager is given the authority to complete a task within a given time, he should be a held responsibility. If he does not complete the work in given time, manager have proper authority to take managerial decision on his own in respect to the goal. So basic concept yahi tha. प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे अथॉरिटी तो होता ही है लेकिन साथ ही साथ उसके पास क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। आते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आते हैं थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट पे, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। बेसिकली हमें मालूम है डिसिप्लिन एक नॉर्मल लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ। और एज पर द हेनरी फ्योल, डिसिप्लिन एक तरह का असेंशियल थिंग है ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय को जितने भी ऑर्डर मिलते हैं या जितने भी एक्टिविटी मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कम्प्लीट करने के लिए उसको हमेशा रेडी होना चाहिए और हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी रूल्स गवर्न किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। उसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी गोल होती है या जो भी ऑब्जेक्टिव्स होती है उसको कम्प्लीट करना होता है। और राइट डिसीजन या गुड डिसीजन क्या करता है, एक रिचुअल इफेक्टिवली बनाता है लीडरशिप, यानी कि जो उसको कमांड करता है। इसी के बेस पे जो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाता है और
डिसिप्लिन को फॉर्म करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे सही तरीके से मैनेजमेंट वर्क होता है। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ऑब्वियसली यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि अगर एक पर्सन कमांड करता है तो जितने उसके नीचे सब ऑर्डिनेटर्स होते हैं उसको फॉलोअप करना चाहिए। जैसे आप डायग्राम देख सकते हो, राइट अप्रोच रॉन्ग अप्रोच। यूनिटी ऑफ कमांड का सबसे बेस्ट यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। अगर सिंगल पर्सन क्या करता है, डिसीजन देता है, तो जितने भी एम्प्लॉई हो कन्फ्यूज नहीं होते कि उनको क्या करना है। बट जब दो पर्सन डिसीजन देते हैं या कोई भी कमांड देते हैं तो वहाँ पे एम्प्लॉय क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया कि यूनिटी ऑफ कमांड में सिंगल पर्सन को ही ऑर्डर देना चाहिए, यानी कि कमांड देना चाहिए अपने सब ऑर्डिनेटर्स को या अपने एम्प्लॉय को, तभी जाके सही तरीके से वर्क कम्प्लीट होगा। तो आइए, ये कॉन्सेप्ट आप आई थिंक समझ गए हो। आते हैं अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5 एंड 6। ओके, यहाँ पे फिफ्थ गिवन है आपको, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दैट इज मीन सेम है आपका यूनिटी ऑफ कमांड जैसे ही। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन क्या करता है, कमांड करता है। बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, एक सिंगल पर्सन क्या करता है कि अपने सब ऑर्डिनेटर यानी कि स्टाफ एम्प्लॉय को डायरेक्शन करता है कि कैसे कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट किया जाए और उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स होती है उसको अचीव किया जाए। आइए इसको रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी ए वन हेड एंड वन प्लान। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, वन हेड एंड वन प्लान, दैट इज मीन एक हेड यानी कि एक सुपेरियर एंड जो उसका एक प्लान यानी कि उसका जो प्लानिंग होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव्स एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान। यानी कि हम टीम वर्क तो करेंगे बट हम फॉलो करेंगे एक सिंगल प्लान को, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। आते हैं अभी 6 पॉइंट पे। ओके, 6 पॉइंट अभी, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। यानी कि सबऑर्डिनेटर और इंडिविजुअल इंटरेस्ट से लेकर कहाँ तक बोला है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट तक। पहले इसको रीड कर लेते, देन इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट एंड द इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस दैन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वाइल वर्किंग डिसीजन इन द टेकिंग डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द होल ग्रुप रादर दैन इंटरेस्ट ऑफ सिंगल एम्प्लॉय। सिमिलरली द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड हिज पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेटेड। फॉर एग्जाम्पल इन एवरी गेम द प्लेयर आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द विनिंग द मैच एज अ टीम रादर दैन देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहीं ज़्यादा होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। बिकॉज कोई भी प्लेयर ये नहीं चाहता है कि उसके रिकॉर्ड ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द टीम, यानी कि जो विनिंग टीम होता है या जो टीम विन करता है उसके बेस पे। सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉय अपने इंटरेस्ट को साइड में रख के पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फोकस करता है और उसके बेस पे ही अपने इंटरेस्ट को कंप्लीट भी करता है। ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट सीधी सी बात है यहाँ पे कि जब तक ऑर्गेनाइजेशनल वर्क नहीं करेगा, उसकी प्रॉफिट नहीं होगी, तब तक एम्प्लॉय को भी कोई भी प्रॉफिट या रेमुनरेशन या अदर पार्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द पर्सनल या इंडिविजुअल या सबऑर्डिनेटर इंटरेस्ट के बेस पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जांपल था यहाँ पे कि जो गेम है उसी के बेस पे आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पहले अपने इंटरेस्ट को साइड में करना होता है और अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इंटरेस्ट होते हैं उसको पहले हमें देखना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेटर ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है 14 प्रिंसिपल का। तो अभी तक हमने 6 कंप्लीट कर लिए, आते हैं अभी हम 7 एंड 8 पे।
अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपना फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप फीडबैक दे सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी मुझे से पूछ सकते हो, मैं आपको ऑन द स्पॉट उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपके पास बुक नहीं है, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप फटाफट जाके हर एक सब्जेक्ट का बुक डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर स्टार्ट कर दिया हुआ है ऑन यूट्यूब, तो ये तीसरा लेक्चर है OCM का। तो अभी हम आते हैं अपने 7 और 8 पे, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मीन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, दैट इज़ में एक पर्सन के पास ही ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है, जैसे हमने देखा था यूनिटी ऑफ कमांड में। इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन पावर इज वेस्टेड इन द वन हैंड और फ्यू हैंड। दिस सिचुएशन अकर इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बट इफ़ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज देन देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर और अथॉरिटी। ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया कि अगर स्मॉल सा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें एक सिंगल पर्सन के पास पावर होता है, अथॉरिटीज होता है, बट अगर लार्ज है तो उसके पास नहीं हो सकता। बिकॉज लार्ज में कैसा होता है कि बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट आ जाते हैं, उस डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए हमें चाहिए होता है सुपेरियर यानी कि मैनेजर, तो उसके बेस पे वो क्वालिफाइड होना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, तो जाके हम तो उसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लार्ज बिजनेस में ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि अलग अलग अथॉरिटीज़ होते हैं, अलग अलग मैनेजर्स होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। बेसिकली रेमुनरेशन क्या होता है कि जो सैलरी के ऊपर हमें ऐसा ना इंसेंटिव बोल सकते हैं या मोटिवेशनल फैक्टर बोल सकते हैं इसको, तो एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि एम्प्लॉय सही तरीके से वर्क कर सके। लेकिन ये रेमुनरेशन उनके परफॉर्मेंस के बेस पे दिया जाता है। आते इसको रीड करके और समझते। एप्रोप्रिएट रेमुनरेशन टू स्टाफ एम्प्लॉय इज़ द प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाई फिनेंशियली एज वेल एज रिटेन देम फॉर अ लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द फेयर रेमुनरेशन इफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल इन द टोटल। The remuneration should be fixed by taking into a consideration the skill, expertise, knowledge, tenure, cost of living, market trend, profitability of organization, etc. तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जिसके बेस पे एम्प्लॉय को रेमुनरेशन मिलता है। ये रेमुनरेशन फाइनेंशियली दिया जाता है और एक पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा भी है फिक्स होता है, जो उनके स्किल, एक्सपर्टाइज या तो नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सब के बेस पे डिसाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन, और ये सब के बेस पे फेयर रेमुनरेशन प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उनका एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहे, उनका एम्प्लॉय खुश रहे, ताकि वो अपना पूरा टाइम डेडिकेट कर सके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड करने के लिए और अचीव करने के लिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन। तो आते हैं अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, 9 और 10 पे। ओके, 9th प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ऑब्वियसली स्केलर चेन ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। स्केलर चेन क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, देन उसके बाद हम थियोरी पे आते हैं। ये डायग्राम आपको दिया गया है ABCD और EFG, बीच में देखो एलो लाइन है, जो एरो दिया गया है डी से जी तक का। अभी ब्लू लाइन क्या आपको शो कर रहा है, स्केलर चेन, और येलो लाइन क्या शो कर रहा है आपको, गैंग प्लैंक। मतलब कि ये होता है कि सबऑर्डिनेटर्स, ठीक है, सुपेरियर, ये सब एक दूसरे से अटैच होते हैं। हर एक डिसीजन जो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, मिडल लेवल को प्रोवाइड करता है, और मिडल लेवल लोअर लेवल को प्रोवाइड करता है। आते अभी इसको रीड कर लेते। स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी from the top level to the lower level for the purpose of communication. This helps to ensure the orderly flow of information and communication. Traditionally, organizations used to frame large-scale chain which is time-consuming. Obviously, यहाँ पर आपको समझ गया कि ये concept क्या है, ये एक तरह का hierarchy है। Obviously, आप देख सकते हो hierarchy level पर given है, टॉप लेवल से लोअर लेवल पे कम्युनिकेट करने के लिए गैंग प्लैंक या हम स्केलर चेन का यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह का कम्युनिकेशन फैक्टर आपको शो कर रहा है, और इससे पहले जब ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम हुई थी तो लार्ज स्केलर चेन बनता था,
और यह लार्ज स्केल चेन टाइम कंज्यूमिंग होता था बहुत ज़्यादा, इसीलिए न्यू मॉडर्न मैनेजमेंट में इसको चेंज करके ऐसा मतलब कि आप डायरेक्टली क्या होता है टॉप लेवल लोअर लेवल से कम्युनिकेट करता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जनरल मैनेजर क्या करता है, कोई भी डिसीजन होता है तो इन्फॉर्म करता है फंक्शनल मैनेजर को, देन फंक्शनल मैनेजर पास करता है सुपरवाइजर से सुपरवाइजर को, एंड देन सुपरवाइजर क्या करता है इन्फॉर्म करता है फोर मैन एंड सो ऑन, ऐसे फिर ये चलते रहता है। दैट इज़ मीन इसमें देखो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जा रहा है। इसको अवॉइड करने के लिए लॉन्गर चेन टू टेक स्पीडी डिसीजन अक्रॉस कम्युनिकेशन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन फॉलो बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, और उसी को हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक मतलब कि हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, किसी भी गैंग के पास जाके बात कर सकते हैं। अभी ये गैंग मतलब कि वो भाई वाला कोई गैंग नहीं है यहाँ पे गैंग का मीन्स है कि जो अपने सुपीरियर्स होते हैं, सबऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना, उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन करना। तो ये पार्ट हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ गैंग स्केलर चेन का। आते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट, 10th one। ओके, यहाँ पे 10th और 11th गिवन है। 10th one है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर आप समझ गए हो, यानी कि सुपीरियर क्या करता है ऑर्डर देता है सबऑर्डिनेटर्स को, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आते हैं इसको डीप में देखते हैं। द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, यहाँ पे हर के लिए प्लेस है, प्लेस एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर फॉलो किया जाता है ये कॉन्सेप्ट, बिकॉज यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक रिसोर्सेस अवेलेबल होता है, और उसी रिसोर्सेज के बेस पे हम क्या करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से रन करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, साथ ही साथ मटेरियल भी होना कंपलसरी है, तो इससे टाइम भी सही राइट टाइम पे राइट काम भी हो जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी अच्छा आ जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी ए प्लेस एट द राइट प्लेस एंड ऑन राइट जॉब। ह्यूमन रिसोर्सेज बेसिकली उनकी क्वालिटी कैपेबिलिटी के बेस पे हम क्या करते हैं उनको प्लेस करते हैं, और उनकी कैपेबिलिटी के बेस पे हम उनको राइट जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, जो फोकस करता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका ऑर्डर का, यानी कि आपको सही तरीके से उसको ऑर्डरली करना है। नेक्स्ट वन इक्विटी। इक्विटी मतलब यहाँ पे इक्वल होता है, ठीक है, तो सबऑर्डिनेटर्स और सुपीरियर जो भी है ये मतलब कि बेसिक हम देखा जाए तो ये ह्यूमन बींग ही है, तो इसीलिए ये क्या होने चाहिए, इक्वली होने चाहिए। तो मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेटर्स, यानी कि जो आपके स्टाफ मेंबर्स है फेयर एंड फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं तो फिर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं होता है। वाइल डिवाइडिंग द वर्क डेलीगेटिंग द अथॉरिटी डिसाइडिंग द मैंडेटरी टर्म एक्सेट्रा, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉय। तो आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में तो सब ऑर्डिनेटर्स को भी एक पार्ट देना चाहिए, उनको भी एक पार्टिसिपेशन देना चाहिए, ताकि वो भी अपना डिसीजन अपना थिंकिंग रख सके ऑर्गेनाइजेशन के पास। इट इज़ ऑल्सो सजेस्ट दैट द रेमुनरेशन शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट बट एट द लेवल ऑफ विच सब ऑर्डिनेटर आर वर्किंग। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि रेमुनरेशन बेसिकली डिपेंड नहीं करता कि कौन से डिपार्टमेंट को मिलना चाहिए कौन से डिपार्टमेंट को नहीं मिलना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेटर वर्क करता है परफॉर्म करता है तो उसको फेयर रेमुनरेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आते हैं अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 12 and 13 पे। ओके, 12th one गिवन है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी दैट इज मीन एम्प्लॉय शुड बी स्टेबल विद अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, जहाँ पे वो काम कर रहा है, जहाँ पे जॉब कर रहा है, उसी जॉब पे वो
टेन्योर स्टेबिलिटी बनाए रखे। अगर एम्प्लॉय क्या करता है, टेन्योर करता है यानी कि लीव करता है ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर सही तरीके से वर्क नहीं हो पाता है। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट यही होता है कि एम्प्लॉय कभी भी टर्नओवर करते हैं। ठीक है, ये एम्प्लॉय अगर टर्नओवर ज़्यादा करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है, अगर कम करते हैं तो इट मे बी कवर द लॉस। तो आते हैं इसको कॉन्सेप्ट देखते हैं। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय द मैनेजमेंट शुड एंश्योर देम अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी। तो यहाँ पे बताया आपको, इंटरव्यू के टाइम पे ही पूछ लिया जाता है कि जो एम्प्लॉई है वो कितने समय तक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। अगर आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग द एम्प्लॉई। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा रोल प्ले करता है अगर एम्प्लॉई स्टेबिलिटी बनाया हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनसिक्योरिटी इन द जॉब ऑलवेज अफेक्टेड द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज एडवर्सली वेयर एज जॉब सिक्योरिटीज मिनिमाइज एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। तो ये कॉन्सेप्ट है, सबको अपने जॉब सिक्योर करने की ये रहती है ताकि अपने जॉब जब सिक्योर होगा तो उनका फ्यूचर या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंजेस होते रहेंगे। तो इसीलिए एम्प्लॉय क्या करते हैं कि टर्नओवर ज़्यादा करते हैं, बिकॉज उनको कहीं अच्छी सैलरी मिलती है तो उस एम्प्लॉय को लीव करके अनदर ऑर्गेनाइजेशन में मूव करते हैं। आते हैं भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये देख लेते हैं। इनिशिएटिव रिफर्स टू अ वॉलेंटियरिंग टू डू द वर्क इन द इनोवेटिव वे, यानी कि एक ऐसा पार्ट है जो इनोवेटिव वे में किया जा सकता है। और यहाँ पे पूरा आपको फ्रीडम मिलता है सोचने के लिए, वर्क करने के लिए विथ न्यू आइडियाज़, विथ करेज टू द एम्प्लॉई कि वो अपने आइडिया से वर्क करें। उनको इनिशिएटिव किया जाता है वर्किंग कंडीशन पे और उनको एक टास्क दिया जाता है कि वो अपना न्यू आइडिया अपने दिमाग को यूज़ करें और वर्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, इन बोलते हैं अलग सेंस में, ताकि उनका इनिशिएटिव पार्ट, उनका मोटिवेशनल फैक्टर्स, उनका न्यू आइडिया ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सकता है। तो इसीलिए मैनेजर क्या करते हैं, वार्मली वेलकम करते हैं ऐसे एम्प्लॉय का जो अपने ओन डिसीजन के बेस पे कुछ कर सकते हैं। तो ये पार्ट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्कशन होता है उस न्यू आइडिया को लेकर, और ये सबसे बड़ा हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्रिएट करता है, क्योंकि जहाँ पे एम्प्लॉय को फ्रीडम मिलता है कि वो अपना आइडिया, अपना व्यू, अपना थिंक ऑर्गेनाइजेशन के सामने रख सके। तो ये पार्ट हो गया इनिशिएटिव का, जहाँ पे मैनेजर क्या करता है कि अपने एम्प्लॉय को इनिशिएटिव करता है वर्किंग कंडीशन के लिए। आते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रिंसिपल ऑफ एस्पीड दे क्रॉप्स दैट इज मीन टीम वर्क। ओके, तो पहले इसको रीड कर लेते हैं, बिकॉज टीम वर्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हेनरी फ्यूल हैज़ गिवन एम्फेसाइज टू ऑन टीम वर्क, एस्पीड दे क्रॉप्स मीन्स यूनियन इन इज स्ट्रेंथ, रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेस आर द वैल्यूएबल असेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। If all employees are working as a union and with a mutual trust, the difficulties can be solved quickly. Therefore, a leader, manager should create a spirit of teamwork and understanding among employees to achieve organizational goal easily. तो ये स्पिरिट देख ऑफ पार्ट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीम वर्क, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर टीम वर्क नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन रन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो ये था अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योर जो आपको समझाना चाहते हैं कि एस्पी द क्रॉप्स मतलब यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर लो, जब तक आपके टीम वर्क में स्ट्रेंथ नहीं है तब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आप कितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ कर लो, लेकिन जब तक टीम वर्क नहीं है, एम्प्लॉय के साथ आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है जब उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप क्विकली सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो एम्प्लॉय आपके साथ सही से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा और आपका टीम वर्क वहीं पे फेल हो जाएगा।
तो इसीलिए ऐसे लीडर, ऐसे मैनेजर जो सबसे ज़्यादा टीम वर्क पे फोकस करते हैं और एम्प्लॉय को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा हो गया आपका 14 प्रिंसिपल जो अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट थिंकर हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग था। इस 14 प्रिंसिपल में आपने बहुत ही अच्छे से ये समझा होगा कि आपके जितने भी पार्ट है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, टीम वर्क, ये आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप जाके एक गुड लीडर, एक गुड मैनेजर और एक सक्सेसिव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट, यानी कि 14 प्रिंसिपल। यहाँ पे कुछ नोट हाईलाइट किया हुआ है तो हम उसको देख लेते हैं। मैं इसीलिए आपके लिए ये लेके आया हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ योर फेवरेट गेम लाइक क्रिकेट, यू विल फाइंड ईच एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। ठीक है, जब आप क्रिकेट की बात करते हो, जैसे आप देखते हो कि 11 प्लेयर्स होते हैं और उनके अंदर टीम वर्क होना कंपलसरी है, तो आप इसको डिस्कस कर सकते हो या सोच सकते हो। तो आज के लिए बस इतना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियो तो लाइक कीजिए। जितना लाइक करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, और जितना शेयर करोगे उतना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो में, वो है आपका फीडबैक और आपका कमेंट। तो आप प्लीज़ कमेंट करते रहिए। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या कुछ और चेंजेस करना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए मुझे कि मुझे और क्या क्या चेंजेस करना है। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।